Assalamu alaikum, I am Asif Mahmood. This is second lecture of Introduction to Computer Science and our today's topic is History of Computers. Computer ki history mein sabse pehla computer ya calculating device Abacus ko mana jata hai. Ye device 5000 saal pehle Chinese ne invent kiya tha. Ye ek manual counting device hai. Agar iske structure ko dekha jaye to ye ek lakdi ka frame hota hai जिसमें रॉड्स लगी हुई होती हैं और उन रॉड्स में बीट्स मूवेबल बीट्स लगे हुए होते हैं जो काउंटिंग के लिए या कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। एबकस का इस्तेमाल आजकल स्कूल्स में होता है जहां पे बच्चों को बेसिक काउंटिंग्स या कैलकुलेशंस सिखाई जाती हैं। नेपियर बोन्स 1612 में जॉन नेपियर नामी एक मैथमेटिशियन ने एक डिवाइस बनाई जिसको उसने नेपियर बोन्स का नाम दिया। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और इसको इसने हाथी के दांतों पे बनाया, यानी हाथी के बोन्स पे बनाया। इस डिवाइस में उसने 11 बोन्स यानी 12 रॉड्स इस्तेमाल की जिस पे इसने डिफरेंट नंबर्स तरतीब दिए और उनको एक कॉलम्स और रोज़ का शेप दिया। उन कॉलम्स और रोज़ की मदद से मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन वगैरह के रिजल्ट्स फाइंड होते हैं। ट्वेंटी 1622 में विलियम ऑटर्ड ने नेपियर लॉगरिथम की मदद से एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री की ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता था। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस या कंप्यूटर 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और यूज़ होने लगा। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर है। स्लाइड रूल्स मुख्तलिफ डिज़ाइन और शेप्स में होती हैं। ज़्यादातर स्लाइड रूल्स में दो लॉगरिथम स्केल्स इस्तेमाल होती हैं जिनकी मदद से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं। पास्कल लाइंस, ब्लेस पास्कल एक 18 साल का लड़का था जिसने 1640 में एक कंप्यूटर बनाना शुरू किया जिसको पास्कल लाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसने ये कंप्यूटर अपने फादर की हेल्प करने के लिए बनाया जो एक फ्रेंच टैक्स कलेक्टर था। उसने ये कंप्यूटर 1642 में इंट्रोड्यूस करवाया। ये डिवाइस सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर सकती थी। ब्लेस पास्कल ने इस कंप्यूटर को न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर का नाम दिया। इस कंप्यूटर में ब्लेस पास्कल ने 8 मूवेबल डायल्स इस्तेमाल किए। उन डायल्स पे 0 से 9 तक नंबर्स प्रिंटेड थे। पहला नंबर 0 से 9 डिजिट्स को शो करता था, दूसरा नंबर टेंस को यानी उसमें 20, 10, 20, 40 इस तरह के नंबर्स यानी वो रिप्रेजेंट करता था और तीसरा नंबर हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरह से इसमें 8 डायल्स इस्तेमाल किए गए थे।